नमस्कार, मैं डॉक्टर HN व्यास, समाज शास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। सोशियोलॉजी के MA फाइनल के 7th पेपर के अंतर्गत कल अपन ने सुरजीत सिन्हा के विचारों की बात को अध्ययन किया था। उसके बाद अपन ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के बारे में कुछ शुरुआत करी थी। आज उसी को कंटिन्यूशन करते हुए अपन चलेंगे और अपन ये जानेंगे कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या है। किसी भी सामाजिक विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य अपने अध्ययनों के माध्यम से समाज की स्थिति का वास्तविक अध्ययन है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति के रहस्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य सामाजिक जीवन के संचालन के रहस्यों को समझना है। यह आवश्यक है कि इन अध्ययनों के स्वरूप वैज्ञानिक हो। ये माना जाता रहा है कि इस प्रकार के वैज्ञानिक तथ्य ही किसी शास्त्र को न केवल वैज्ञानिक आधार प्रदान कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिकता की इसी आवश्यकता के आधार पर अनेक वैज्ञानिक पद्धतियाँ विकसित हुई। इन पद्धतियों को न केवल बनाया गया वरन उसके प्रयोग के लिए नियम भी बनाए गए। वैज्ञानिक पद्धति की इस आवश्यकता के साथ समाज को समझने के लिए भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य की सृष्टि भी हुई और समाज और उसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए ये परिप्रेक्ष्य अलग अलग तरीके के थे, जिससे समाज और उसकी व्यवस्था को समझा जा सके। यही परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उपागम थे। विभिन्न विचारों के चलते इन उपागमों का संबंध उस विशिष्ट आधार का संकेत था, जिसके आधार पर समाज को समझा जा सके। उदाहरण के लिए मार्क्स ने समाज को समझने के लिए इतिहास पर जोर दिया था। मार्क्स का मानना था कि समाज की संरचना का संबंध ऐतिहासिक परिस्थितियों से था और सामाजिक परिवर्तन का संबंध इतिहास में उठने वाले अंतर विरोधी से है। ठीक उसी प्रकार से एक और उपागम मानवीय व्यवहार के साथ उभरा, जिसकी परिणति क्रियात्मक व्याख्या से हुई। समाज को समझने के लिए व्यवहारवाद, फिनोमेनोलॉजी, विनिमय, संघर्ष तथा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया आदि उपागमों का विकास हुआ। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम समाजशास्त्रीय व्याख्याओं की कड़ियों में से एक है। अपन अध्ययन करेंगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के परिप्रेक्ष्य। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का संबंध वस्तुतः समाज के प्रकार्यात्मक विश्लेषण के साथ अधिक जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्री ये मानते हैं कि प्रकार्यवादी विश्लेषण का संबंध प्राय प्रत्येक विज्ञान के साथ रहा है, पर समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद की मीमांसाएं तथा विश्लेषण अपने तरह के रहे हैं। इसलिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की मूल पृष्ठभूमि को प्रकार्यात्मक विश्लेषण के संदर्भ में ही देखना पड़ेगा। इसी को समाजशास्त्री मार्टिन डेल ये मानते हैं कि प्रकार्यवाद का संबंध सामाजिक व्यवहार से संबंधित उपागमों
और सैद्धांतिक आधारों से रहा है। उनके अनुसार व्यवहार से संबंधित ये सैद्धांतिक व्याख्याएं तीन प्रकार से करने का प्रयास किया है। पहला बहुल व्यवहारवाद प्लुरलिस्टिक बिहेवियरिज्म, दूसरा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरेक्शन, और तीसरा सामाजिक क्रिया सिद्धांत थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। मार्टिंडल का मत है कि धीरे धीरे ये सैद्धांतिक व्याख्याएं लुप्त होती गई और इन व्याख्याओं का स्थान प्रकार्यात्मक आधारों ने लिया। एक और समाजशास्त्री केली का मानना है कि आरंभिक समाजशास्त्र में ऐसा माना जाता था कि मानवीय गतिविधियां संरचनात्मक व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है, पर बाद में विचारों ने पलटा लिया और प्रकार्यों के रूप में संरचना तथा प्रकार्यों के पारस्परिक संबंध की व्याख्या को विश्लेषण के लिए स्वीकार किया गया। कई समाजशास्त्रियों ने इस उपागम को बनाने में अपना योगदान दिया, जिसकी चर्चा हम आगे के अध्ययन में करेंगे। समाजशास्त्रीय उपागमों के संबंध में एक बात स्पष्ट करना और आवश्यक हो जाता है यहाँ पर कि समाजशास्त्र की सैद्धांतिक व्याख्याएं समाजशास्त्र की उत्पत्ति के समय से ही अन्य सामाजिक प्राकृतिक तथा जैवीय विज्ञानों से प्रभावित रही हैं। समाजशास्त्रीय शब्दावली तथा अवधारणाओं के विकास के मूल में ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है। ऑगस्ट काम्टे एक गणितज्ञ थे। उनकी समाजशास्त्रीय शब्दावली तथा विचारों पर गणित तथा प्राकृतिक विज्ञानों की शब्दावली का विशिष्ट प्रभाव दिखाई देता है। हर्बर्ट स्पेंसर पैसे से इंजीनियर थे। उनके उद्विकासीय चिंतन पर जैव शास्त्री चार्ल्स डार्विन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। समाजशास्त्र के विकास क्रम में विभिन्न कालों में सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना तथा सामाजिक प्रणाली, चार बातों की हमने बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहली हमारा सामाजिक संगठन है ना, जो विकास है विभिन्न कालों में। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था, फिर सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रणाली जैसी अवधारणाओं और रचनाओं का प्रयोग हुआ। प्रारंभ में ये अवधारणाएं स्पष्ट नहीं थी, इनका परिष्करण कर बाद में किया गया। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागमों की रचना भी इसी प्रकार हुई, क्योंकि एकाएक नहीं हो गई थी। ये उपागम में प्रयुक्त दो शब्दों को अलग अलग समझकर उनके पारस्परिक संबंधों को समझा जा सकता है, क्योंकि दो अवधारणाएं हमारे इसमें स्पष्ट आती है, एक तो संरचनात्मक और दूसरा प्रकार्यात्मक उपागम। वस्तुतः इस प्रकार के उपागम की व्याख्याएं अलग अलग तरह से भी की गई है, पर संक्षेप की दृष्टि से उपागम की ये दोनों ही प्रवृत्तियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। पहला संरचना का अर्थ तथा अवधारणा। अब पहले जब अगर हमें पूरा संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक उपागम को एक साथ समझना है तो सबसे पहले हमें संरचना का क्या अर्थ है उसकी अवधारणा को समझने की आवश्यकता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। जिस संरचना और प्रकार्य की हम चर्चा करना चाहते हैं वे वस्तुतः सामाजिक प्रणाली के ही हिस्से हैं, ठीक है। कोई भी सामाजिक प्रणाली पांच तत्वों से मिलकर बनती है। जो सामाजिक प्रणाली है उसमें पांच तत्व होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? व्यक्तियों की बहुलता अर्थात व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। और दूसरा उनमें उनके मध्य पारस्परिक अंतःक्रिया, व्यक्तियों की संख्या हो और उन व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक अंतःक्रिया हो। और तीसरी बात ये कहते हैं कि अंतःक्रिया की परिस्थिति, किस प्रकार की परिस्थिति में वो लोग अंतःक्रिया कर रहे हैं। और चौथा आता है अधिकतम संतुष्टि की उत्प्रेरणा। जब वो अंतःक्रिया करते हैं तो उनमें आपस में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे किसी के घर बीमार हैं और बीमारी से कोई मिलने चले गए तो जो पेशेंट है उसको अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अमुक व्यक्ति मेरे घर आया और मेरी तबीयत को पूछा है। इसी तरीके से
किसी के घर सामाजिक कार्यक्रम है और लोग उसके यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो उसके मन में एक सेटिस्फेक्शन आता है कि मेरे घर पर इतने आए हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है पारस्परिक संबंध। उसमें पारस्परिक संबंध विद्यमान हो, ऐसा नहीं कि अनजान, अनजान को हम क्या कहेंगे, भीड़ कहेंगे। तो भीड़ का कोई समूह नहीं होता है, उसका कोई उद्देश्य भी नहीं होता है, वो बिना किसी उद्देश्य के साथ डेवलप होती है और डेवलप वो जो ही वो समाप्त होता है और उस भीड़ बिखर जाती है। नेक्स्ट जो आता है संबंधों की व्याख्या का आधार। ठीक है, संस्कृति तथा समान प्रतीक पार्सन्स के अनुसार सामाजिक प्रणाली की मूलभूत इकाई क्रिया है। सामाजिक प्रणाली विभिन्न क्रियाओं के पारस्परिक संबंध से निर्मित है। क्या कहते हैं पार्सन्स, क्या कहते हैं? संस्कृति तथा समान प्रतीक सामाजिक प्रणाली की मूलभूत इकाई की क्रिया है और सामाजिक प्रणाली विभिन्न क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों से निर्मित है, क्योंकि जो हमारा सोशल सिस्टम है उसमें सामाजिक क्रिया विद्यमान है, हैं? और वही सामाजिक क्रिया जो है वो हमारी सामाजिक संरचना का स्वरूप प्रदान करती है। तो पार्सन क्या कहते हैं, पार्सन के अनुसार सामाजिक प्रणाली के दो हिस्से, पहला संरचना तथा दूसरा प्रकार। ठीक है, समझने की दृष्टि से सामाजिक संरचना की तुलना प्रायः मानव शरीर अथवा किसी इमारत से की जाती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर के अलग अलग भाग हैं, ठीक है, और प्रत्येक अंग का एक विशिष्ट कार्य है। ये सभी अंग मिलकर सारे शरीर की संरचना तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार भवन के भी अलग अलग पक्ष होते हैं और सभी पक्ष मिलकर एक भवन की रचना करते हैं। अर्थात शरीर के संरचनात्मक अध्ययन के अंतर्गत हम इसे विभिन्न भागों जैसे हाथ, पैर, कान, आंख का अध्ययन वैज्ञानिक करते हैं। शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग रूप से शरीर नहीं है, शरीर की संरचना के लिए इन अंगों का समन्वय आवश्यक है। ठीक है, तथा आवश्यक है सामाजिक संरचना के लिए भी अपने अंग हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संरचना के मुख्य अंग विभिन्न समूह, संगठन तथा संस्थाएं हैं। जैसे आप सामाजिक संगठन संरचना की जब बात करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें परिवार है, व्यक्ति है, पहले व्यक्ति के बाद परिवार है, परिवार के बाद उसकी जाति है, जाति के बाद समाज है, और समाज के बाद पूरा गांव है, शहर है, कस्बा, ये सब मिलकर एक सामाजिक संरचना का हमारा निर्माण करते हैं। और ये जो प्रकार्य की जब हम लोग बातचीत करेंगे, प्रकार्य क्या है, तो उसके जो विभिन्न विभिन्न अंग जो अपने कार्य का संपादित कार्य को संपादित कर रहे हैं और उससे एक कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं, वही उसका प्रकार्य। समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संरचना के मुख्य अंग विभिन्न समूह, संगठन तथा संस्थाएं हैं। इनका अलग अलग अध्ययन भी किया जा सकता है। ये सभी मिलकर जिस तत्व की रचना करते हैं उन्हें सामाजिक संरचना कहा जाता है। संरचना कोई स्थिर पदार्थ नहीं है, यह गतिशील संरचना है। परिस्थितियों के अनुकूल यह समय समय पर परिवर्तित भी होती रहती है। सामाजिक संरचना के विभिन्न हिस्से कई किन्हीं विशेष उद्देश्यों के लिए विकसित किए जाते हैं। समाज का संरचनात्मक विश्लेषण मात्र उसे अंगों की विशिष्ट अध्ययनों द्वारा ही नहीं किया जा सकता, बल्कि सामाजिक संरचना की विभिन्न अंग जिस प्रकार से एकीकृत है और ये एकीकृत संरचना किस प्रकार कार्य करती है और किस प्रकार से अंग एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक संरचना के अनेक संगठनों में से एक संगठन सामाजिक संगठन भी है। अलग अलग सामाजिक संरचनाओं में अलग अलग प्रकार के सामाजिक संगठन होते हैं। जनजातीय सामाजिक संरचना के प्रमुख संगठन जनजातीय पंचायतें, नातेदारी समूह, युवा गृह इत्यादि मुख्य रूप से अनौपचारिक तथा जनजातीय व्यवस्थाओं पर आधारित है। आज की औद्योगिक संरचना में सामाजिक संगठन का स्वरूप औपचारिक विधि सम्मत है और अत्यधिक विशाल है। अधिकारी तंत्र, निगम, श्रम संगठन आधुनिक औपचारिक संगठन के अच्छे उदाहरण है इत्यादि। धन्यवाद। कल अपन इसी को आगे बढ़ते हुए संरचना पूर्व जो हमारी संरचना है
उसके ऊपर कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनका अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।